आज रात्रि क्लास है 25966 का। बाप जब भारत में आते हैं तो जयंती मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, मनाते हैं। भारत में शिव बाप की जयंती मनाते हैं, मनाते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां मनाती हैं। भारत में शिवरात्रि मनाते हैं या शिव जयंती मनाते हैं? महाशिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन बाबा ने बोला, इधर क्या बोला, बाप जब भारत में आते हैं, जब भारत में आते हैं जयंती मनाते हैं तो जरूर वर्षा देते हैं। मुफ्त में थोड़े ही जयंती मनाते होंगे। कब मनाते हैं? जब बाप भारत में आते हैं। तो सन 36 में आए ना, तो भारतवासियों ने जयंती मनाई क्या? उस समय कुछ वर्षा मिला क्या? सुख शांति का वर्षा मिला? फिर क्या यहाँ झूठ बोल दिया है? जैसे आत्मा आती है, 4-5 महीने का गर्भपिंड होता है निर्जीव, उसमें प्रवेश करती है, तो जब प्रवेश करती है तो जयंती नहीं मनाई जाती। कब मनाई जाती है? जब 9 महीना पूरा हो जाता है, गर्भ पक जाता है, उसमें हलन चलन शुरू हो जाती है, तो 9 महीने के बाद जब बच्चा बाहर आता है, आत्मा शरीर लेकर बाहर आती है, माना प्रत्यक्ष होती है, तो जयंती मनाई जाती है। तो क्या कहें कि अभी शिव बाप भारत में प्रत्यक्ष हो गया है? यज्ञ के आदि में भी जो निर्जीव गर्भपिंड थे, माना मुर्दा बनी पड़ी जो आत्माएं थी, उनमें प्रवेश किया, ज्ञान का बीज तो डाला, लेकिन किसी को पता नहीं था। जैसे 9 महीने पहले माता में बाप बीज डालता है, वो बीज गर्भपिंड बन करके 5 महीने के बाद ऐसी स्थिति में आता है कि उसमें आत्मा प्रवेश कर सके, और आत्मा के अस्तित्व को वहन कर सके। तो ऐसे ही है, यज्ञ के आदि में सन 36-37 में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रवेश तो किया, लेकिन वो सिर्फ ज्ञान का बीज डाला गया भारत माता में। वो भारत कोई जड़ नहीं थी। जैसे लोग कह देते हैं भारत माता, वंदे मातरम, वो कोई चैतन्य आत्मा थी जिसमें ज्ञान का बीज बोया गया। और वो बीज गर्भपिंड के रूप में तैयार हो गया। कब? जब सन 47 में हलचल हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ,
तो ब्रह्मा के द्वारा पहली पहली बार ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्षता हुई और 50-51 में 14 साल के बाद पहली मूर्ति ब्रह्मा का अस्तित्व प्रत्यक्ष हुआ। पचास 51 के बाद दिल्ली का पहला कमला नगर सेंटर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात हुआ। ब्रह्मा कुमारी के रूप में विख्यात हुआ, प्रजापिता शब्द उसमें ऐड नहीं था उस समय। प्रजापिता ऐड किया गया है 1965-1966 में, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा। तो वो ज्ञान का बीज परिपक्व रूप में वृद्धि को पाने लगा। माँ के अंदर ही हलन चलन हुई, नाम पड़ा ब्रह्मा, बड़ी माँ। तो मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने तक जो भी उस ज्ञान बीज की वृद्धि होनी थी वो हो चुकी और वो बीज फिर हलन चलन में कब आया? हलन चलन में आने का टाइम है हलचल पैदा कर दिया। यज्ञ माताओं के अंदर हलचल विशेष रूप से पैदा हुई। वो पीरियड कौन सा था? अव्यक्त वाणी में तो बता दिया, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो पहले पहले यज्ञ माताओं ने अंदर अंदर ये जाना कि कोई विशेष आत्मा यज्ञ में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन 76 में भी पूरी प्रत्यक्षता नहीं कहेंगे। क्योंकि कोई भी बच्चा जब घर में पैदा होता है तो माँ जानती है, माँ नहीं जानती बाई चांस, जाने अनजाने, तो बाप तो जानता ही है, घर परिवार के लोग जानते हैं, दूर दराज के लोगों को पता नहीं चलता। कब पता चलता है? जब बाजे बजाए जाते हैं। तो ये एडवांस पार्टी के द्वारा ज्ञान के बाजे बज रहे हैं। आत्मा संपन्न स्टेज को तब मानी जाती है, संपन्न ब्राह्मण तब बनती है जब कौन सा अनुष्ठान होता है? कोई अनुष्ठान होता है कि ब्राह्मण परिपूर्ण माना जाता है, यज्ञोपवीत धारण करता है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं जो ब्रह्म फांस से बंधे हुए होते हैं।
भक्ति मार्ग में कह दिया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म परम सत्य है। उस परम ब्रह्म से तीन धागे, ज्ञान के तीन सूत्र, ब्रह्मा द्वारा कैसे स्थापना होती है, विष्णु की मूर्ति के द्वारा कैसे पालना होती है और शंकर की मूर्ति के द्वारा कैसे विनाश होता है, ये तीन मूर्तियों का कार्य जब प्रत्यक्ष होता है तब त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता मानी जाती है। तो अभी पूरी शिव जयंती हुई है या नहीं हुई है? है? हुई है? नहीं हुई है। जो शिव का परिवार है, रुद्रगणों का, शिव और रुद्र है तो एक ही चीज ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र ने बीज डाला ना, यज्ञ के आदि में भी उस रुद्र ने रौद्र रूप धारण किया था। और पूरा परिवार ब्राह्मणों का छिन्न भिन्न हो गया था, टूट गई है माला मोती बिखर गए, दो दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। गीत बनाने वाले ने तो गीत बनाया, उसका अर्थ उसे भी पता नहीं था। बाप ही गीत बनवाते हैं, ये आदि की बात हुई। आदि में जो स्थापना और विनाश का बीज बोया गया वो अंत में स्थापना भी संपन्न होती है और विनाश कार्य भी संपन्न होता है। क्योंकि जब तक आसुरी ब्राह्मणों का विनाश नहीं होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में जो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण हैं, उन आतताइयों का जब तक पर्दाफाश नहीं होता है, वो अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक स्थापना प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। और स्थापना पालन, स्थापना और विनाश जब दोनों ही संपन्न होता है तो साथ ही साथ विष्णु के द्वारा पालना शुरू हो जाती है नई संगठन की। नया संगठन तो बहुत छोटा होता है, नई दुनिया का फाउंडेशन कोई ढेर आत्माओं के द्वारा तो नहीं पड़ेगा, पहले तो परिवार की एक इकाई चाहिए ना। जैसे सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष शुरू हुआ तो राम के जो चार भाई हैं, राम सहित उन चार भाइयों के बीच परिवार हुआ ना, उस परिवार के बीच बाप प्रत्यक्ष हुआ। वो चारों भाई चार धर्मों के चार बीज हैं, देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। ये चारों धर्म की विशेष आत्माएं भारत में विशेष रूप से रही पड़ी हैं, अभी भी रही पड़ी हैं। लेकिन वो तो आदि का रूप था, रुद्रमाला उसे संपन्न नहीं कहेंगे। जब रुद्रमाला संपन्न रूप में प्रत्यक्ष होती है तो पहले पहले आठ के द्वारा प्रत्यक्षता होती है। वो आठ देव आत्माएं जो अष्टदेव के रूप में पूजी जाती है, अष्ट ग्रह के रूप में पूजी जाती है, नवग्रह के रूप में पूजी जाती है, वो अंत में
माना दूसरी मूर्ति के अंत में, दूसरी मूर्ति का पार्ट जब संपन्न स्टेज को प्राप्त होता है। कब संपन्न स्टेज को प्राप्त होता है? जब वो छोटा सा परिवार, ईश्वरीय परिवार स्थापित हो जाता है, स्थिरियम हो जाता है। उसके स्थिरियम होने के बाद विनाश शुरू होता है। ये विनाश का कार्य है। पुराने वृक्ष को भी समाप्त कर देता है, पुरानी जड़ों को भी समाप्त कर देता है, और जो पुराने पुराने सड़े गले हुए बीज हैं, जिनसे मानवीय धर्मों की स्थापना होती है, उनको भी समाप्त कर देता है। एक ही बीज रह जाता है सत्य सनातन धर्म का, और उससे छोटा सा पौधा तैयार होता है। जिसका इशारा अभी 2 साल से अव्यक्तवाणियों में दिया जा रहा है। तो बोला कि भारत में जब बाप आते हैं, आते हैं माना उन अष्टदेवों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करता है और बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। ये अष्टदेवों का पहला परिवार ईश्वरीय परिवार है, तो जयंती मनाते हैं। जय जयकार होती है, एक तरफ जय जयकार होती है तो दूसरी तरफ हाहाकार होता है। संक्षेत्र में भी ऐसे ही हुआ था। जब दिल्ली में एडवांस पार्टी का आरंभ हुआ तो दिल्ली में जमुना के कंठे के जो सेवा केंद्र थे वो जय जयकार कर रहे थे। वहां से निकली हुई कुछ विशेष आत्माएं खुशी में झूम रही थी जो एडवांस पार्टी में आ चुकी थी, और बाकी सारे ब्राह्मण हाहाकार कर रहे थे। मेहरौली के सेवा केंद्र में महारौला मचा हुआ था। जो मुरली में पहले से भी इशारा दे दिया था, एक भी आश्रम संन्यास आश्रम पूरा का पूरा पलट जावे तो रिवोल्यूशन हो जाएगा। और वो रिवोल्यूशन की शुरुआत दिल्ली के महारौली सेवा केंद्र से शुरू हो गई। ऐसे ही रिवोल्यूशन माने क्रांति। वहां से एडवांस पार्टी की क्रांति शुरू हुई। क्रांति की शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होगा, अति होती है तो अंत हो जाता है। अभी दूसरी मूर्ति का कार्य भी संपन्न स्टेज को पहुंच रहा है, टाइम पक रहा है, लेकिन विनाश तब होगा जब स्थापना प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगी। कम से कम ब्राह्मणों की दुनिया में स्थापना प्रत्यक्ष दिखाई पड़नी चाहिए। स्थापना के बाद फिर होता है विनाश। जब तक तुम्हारी पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, माना स्थिरियम नहीं हुई है, तब तक विनाश की शुरुआत नहीं हो सकती। तो एक तरफ स्थापना के नजारे
और दूसरी तरफ विनाश के नगारे। ये दोनों कार्य साथ साथ संपन्न होते हैं, ये बाजे बजते हैं और प्रत्यक्षता होती है, जयंती मनाई जाती है। तो जिन्होंने जयंती मनाई होगी, जय जयकार किया होगा, तो निश्चय बुद्धि के आधार पर किया होगा ना। निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। किस बात में विनश्यते, किस बात में विजयते, क्या मिल गया जो विजयते, विजय का झंडा ऊंचा कर देंगे, उनका क्या खो जाता है जो अनिश्चय बुद्धि विनश्यंति हो जाते हैं। एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई थी तो भी इस बात का इंडिकेशन दिया गया। सीढ़ी के चित्र में ध्यान से किसी ने देखा होगा, जहां नीचे ब्रह्मा वत्स बैठे हुए हैं सीढ़ियों के अंत में, कलयुग के अंत में, वहां ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, है? उन तथाकथित ब्राह्मणों ने लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है पुराने चित्रों में, विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते लिख दिया। लेकिन मुरली में बाबा ने क्या लिखवाया था, मुरली में बाबा ने स्पष्ट बोला हुआ है कि सीढ़ी के चित्र में नीचे लिख दो, विनाश काले विप्रीति बुद्धि विनश्यते, और ऊपर लिखो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयते। तो प्रैक्टिकल में क्या हुआ, क्या हुआ प्रैक्टिकल में, जो ज्ञान का नगाड़ा बजा, उस ज्ञान के नगाड़े से प्रैक्टिकल में क्या देखने में आया, कुछ देखने में आया? अरे जमुना कंठे के जो सेवा केंद्र थे, जमुना के किनारे ही तो स्थापना शुरू होती है, बैकुंठ कहां बनेगा, पहला पहला फाउंडेशन कहां पड़ता है, जमुना के कंठे पर। लेकिन ये तो सूक्ष्म बात है, कोई स्थूल रूप में कृष्ण की प्रत्यक्षता की बात नहीं है। हाँ, कृष्ण की सोल कोई मां बाप है कंबाइंड स्वरूप वाले, क्या चित्र दिखाते हैं उनका, अर्धनारीश्वर, आधी नारी आधा पुरुष, जिन्हें वाणी में बोला गया है कंबाइंड पार्ट, कौन सा है, बाप दादा। बाप माना राम की सोल और दादा माना कृष्ण बच्चे की सोल, वो दोनों ही एक ही व्यक्तित्व में कार्य करना शुरू कर देते हैं। वहां से आरंभ होता है, चंद्रमा के रूप में दादा कृष्ण और शिव नेत्र के रूप में राम बाप, जिसमें निराकार बाप भी है तो साकार बाप भी मौजूद है। तो वहां से आरंभ हुआ, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। दुनिया में भी ऐसे ही होता है,
कोई राजा बड़ा राजा राज्य करता है और दूसरे राजा के हाथ में जो योग्य होता है उसके हाथ में राजाई नहीं होती है, लेकिन वंश परंपरा में ये निश्चित किया जाता है कि ये भी बनने योग्य है। अगर पहला राजा आतताई है तो उसको हटा करके दूसरे बच्चे को गद्दी देनी चाहिए। लेकिन जब द्वैत फैला होता है संसार में तो ईर्ष्या द्वेष चलता है। ईर्ष्या द्वेष यहां तक चलता है कि जो योग्य शासक बनने वाला है उसके घर में अगर पुत्र पैदा हो तो उसको गर्व को ही नष्ट करने का प्रयास चलना शुरू हो जाता है सत्ताधीश के द्वारा। ये कथाएं हैं शास्त्रों की, चाहे भागवत हो चाहे महाभारत हो, उसमें कंस अनिष्ट चाहता है। वो राज्य के ऊपर काबिज होता है। कृष्ण का अनिष्ट चाहता है। एक तरफ कृष्ण की सत्ता उदित होती है और कंस के उस पर प्रहार होते हैं। ये हुई भागवत की बात, महाभारत की बात। ऐसे ही देवासुर संग्राम में भी दो पक्ष दिखाए गए हैं। एक पक्ष हमला करता है, दूसरा पक्ष बचाव करते हुए भागता है। कौन सा है वो एक पक्ष और दूसरा पक्ष है? याद आया है? एक पक्ष अपना बचाव करने के लिए भागता है और दूसरा पक्ष हमला करने के लिए उसका पीछा करता है। कौन? भस्मासुर। और शंकर। और शंकर। ऐसे ही रामायण में भी एक पक्ष योग्यता को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि ये राम है, संसार को रमण कराने वाला है। और अपने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं रुलाने वाला हूं। तो साबित तो होगा ही, सच्चाई तो प्रत्यक्ष होती है। रुलाने वाला कौन है और रमण कराने वाला माने हंसाने वाला कौन है? रोने का भी वर्षा होता है और प्रसन्नता का भी वर्षा होता है। तो एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। उसमें जो जय जयकार करने वाला पक्ष है, जिसको पुराने सीढ़ी के चित्र में परिवर्तन करने के लिए बाबा ने बोला मुरली में, कि सीढ़ी के चित्र में नीचे लिख दो
जहां वो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, चित्र भी उनके दिए हुए हैं। क्या लिख दो? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, और ऊपर लिख दो विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयति। तो एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई और प्रैक्टिकल में ये नारे चरितार्थ हुए। अभी इन नारों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए, अति में ले जाने के लिए और अंत करने के लिए, संपन्नता के रूप में प्रत्यक्ष करने के लिए, अभी प्रयास जारी है। त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता बच्चों के द्वारा होती है। बाहर की दुनिया के जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, मल्टी मिलियनायर्स हैं, बड़े बड़े नेताएं हैं, बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, दुनियावी तरीके से मान मर्तबे वाले हैं, उनके द्वारा बाप प्रत्यक्ष नहीं होता है। बाप तो अपने आत्मिक स्वरूप वाले बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। उनकी जय जयकार होती है। और जो देखते हैं कि हमारी हार निश्चित है, वो भी तंडावाद शुरू करते हैं। दुष्ट युद्ध करते हैं, फिर उनका दुशासन नाम धरा जाता है। दुष्ट शासन करते हैं, ही चिल्लाते रहते हैं जैसे कौए चिल्लाते हैं, फालतू की काऊ काऊ, बातों में कोई सार नहीं। जैसे आज के नेताएं कितने भाषण करते हैं बड़ी बड़ी पब्लिक को इकट्ठा करके, और राम राज्य नहीं बन पाता। राम राज्य की जगह और ही रावण राज्य बनता जाता है, दुख शांति बढ़ती जाती है। तो वो भी अंदर से समझते हैं कि अब भ्रष्टाचारी राज्य को हम खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ते रहते हैं, कुर्सी फिर भी नहीं छोड़ते। रावण भी कहता था, भले राम भगवान है तो होता रहे, जब तक मेरे को हराए नहीं देता है तब तक मैं उसे राम भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। तो मान मर्तबे में रहने वालों को ऐसा अंधा बनना पड़ता है। धृतराष्ट्र, उनका नाम धृतराष्ट्र क्यों पड़ा? धृत माना धारण कर लिया। क्या धारण कर लिया? राष्ट्र माना धन संपत्ति को धारण कर लिया। पांडवों ने भी जुआ खेला, कौरवों ने भी जुआ खेला, दोनों ने अपना तन धन धाम स्वर्ग परिवार बीवी बाल बच्चे जुए में बाजी लगाई। कौरवों ने कांव कांव करके पांडवों की बाजी अपनी मुट्ठी में ले ली, और अपनी बाजी को तो पहले से ही मुट्ठी में रखा हुआ था। देखने में पहली दूसरी बार पांडव हार जाते हैं,
लेकिन अंत में विजय पांडवों की होती है। पांडवों की संख्या पहले 5, फिर बढ़ते बढ़ते 7 अक्षौणी हो जाते हैं। पहले 18 अक्षौणी कौरवों की तरफ थे। ये सारी दुनिया की जनसंख्या की बात है। बाद में सारी दुनिया में से वामपक्षी आत्माओं को छोड़ करके बाकी सब पांडवों के पक्ष में आ जाते हैं, क्योंकि जिनको विकारी दुनिया छोड़ना ही नहीं है, विकारों को छोड़ना ही नहीं है, काम विकार उनका वर्षा बन चुका है, व्यभिचार उनका वर्षा बन चुका है, वो तो नई दुनिया में आते ही नहीं है। चाहे वो बीज रूप आत्माएं हो और चाहे वो जड़ों पर बैठी हुई आधार मूर्त आत्माएं हो, वो पहले जन्म का वर्षा नहीं प्राप्त कर सकती जो डायरेक्ट भगवान बाप से प्राप्त होता है। 84 जन्मों का पूरा वर्षा प्राप्त नहीं कर सकती तो वो देवता भी नहीं बन सकती। पक्का देवता बनना उनके नसीब में नहीं है। जो पक्का देवता बनते हैं उनके मंदिर बनते हैं, देवताओं के रूप में पूजा होती है, मूर्तियां बनती हैं, भक्ति मार्ग में भक्त उनकी पूजा करते हैं। तो बोला कि जब जयंती मनाते हैं, एक तरफ जय जयकार होती है, दूसरी तरफ हाहाकार होती है, तो जय जयकार करने वालों को जरूर वर्षा मिलता होगा। कौन सा वर्षा मिलता होगा? है सुख और शांति का अंदरूनी वर्षा मिलता है। पहले पहले जैसे कुरान में लिखा हुआ है, जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे, नेक बंदे, थोड़े से बंदे बहुत खुशी में रहेंगे, खुशी में खग्गियां मारेंगे। बाबा कहते हैं तुमको अतीन्द्रिय सुख अनुभव होगा, बहुत मजे देखेंगे। तो कोई मजा का अनुभव करेंगे और कोई सजा का अनुभव करेंगे। वहां से धर्मराज की सजाएं भी आरंभ होती है और बाप का वर्षा का भी महसूसियत की शुरुआत होती है। इसलिए बोला कि जब बाप भारत में आते हैं, कब आते हैं? सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, द्वापर में आते हैं, कलयुग में आते हैं, संगम में आते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं या पुरुषोत्तम संगम युग के मध्य में आते हैं या अंत में आते हैं, कब आते हैं? बोला है बाप जब भारत में आते हैं। कब आते हैं? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माओं की प्रत्यक्षता तो 76 से होने लगी। उससे पहले सामान्य संगम युग था। उत्तम उत्तम आत्माएं कौन है वो धीरे धीरे पता लगने लगा। ऐसे कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, लेकिन मुरली में तो बता दिया ये त्रिमूर्ति शिव का चित्र एक्यूरेट नहीं है। जो एक्यूरेट चित्रण होना चाहिए जिन आत्माओं का, वो पुराने चित्र में जो साक्षात्कार से तैयार हुए हैं उनमें एक्यूरेट चित्रण नहीं है। तुम बच्चों को
तीन मूर्तियों का एक्यूरेट चित्र बनाना चाहिए। तो अभी इस सभा में कौन कौन है जिनकी बुद्धि में वो तीन चेहरे पूरी रीति प्रत्यक्ष हो चुके हैं? हाथ उठाएंगे। वो तीन चेहरे ब्रह्मा अभी कौन है वर्तमान काल में, विष्णु कौन है और शंकर का पाठधारी कौन है? निश्चयात्मक बुद्धि से जिनको पक्का निश्चय हो गया ये हमारा त्रिमूर्ति से उबाप है। जिनको निश्चय हो गया सिर्फ वो ही हाथ उठाए, क्योंकि हम उनमें से किसी एक से पूछ सकते हैं। पूछना भी तो चाहिए ना, नहीं तो हाथ नीचे कर लीजिए, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। ऊंचा हाथ उठाओ। हाँ जी, खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठे रहिए, घुमा लो। हाँ जी ठीक है। ठीक है। कोई एक से पूछ ले क्या? नहीं नहीं, अपनी इच्छा से कोई एक बता दो। हैं? अगर त्रिमूर्ति ब्रह्मा की आत्मा, दादा लेखराज, जगदम्बा को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, एक बात क्लियर है। विष्णु वैष्णवी जो है, जो सूर्य का पार्ट बजाने वाली है, वो है वेदांती मम्मी। हाँ, ये क्योंकि आज में भी न्यूट्रल पार्ट बजाया, जिसको आदि राधा था, और अभी भी न्यूट्रल पार्ट बजाय रही है। और शंकर का पार्ट जो बजाने वाली राम बापाली। ठीक है, तो बाप जब भारत में आते हैं तो जिनकी जिनकी बुद्धि में बैठा पक्का निश्चयात्मक पूर्वक, उन्हीं को भारतवासी कहेंगे या दूसरों को भारतवासी कहेंगे? भारतवासी, भारत में वास करने वाले, पूरा निश्चय हो। भारत में वास करने वाले कोई शरीर की बात नहीं है कि शरीर से समा जाएंगे। मन बुद्धि से, जिनकी मन बुद्धि कहां धरी रहती है? भारत की याद में रहती है। भगवान कहां आते हैं? भारत में आते हैं। आए भारत में भगवान, तो भगवान भी जब भारत में आएंगे तो भगवान के बच्चे भी मन बुद्धि से कहां जाएंगे? भारत में ही जाएंगे उनकी बुद्धि। तो जब भारत में आते हैं तो जयंती मनाते हैं। लेकिन जयंती अभी मनाई है या नहीं मनाई है पूरी? है? पूरे जोर शोर से जयंती मनाई है या नहीं मनाई है? अभी नहीं मनाई है। जयंती तब मनावेंगे जब स्थापना प्रत्यक्ष नजर आएगी। परिवार की वो पहली इकाई संपन्न रूप में दिखाई दे, तब कहेंगे कि जयंती मनाई। तो जरूर जो जयंती मनाते हैं उनको सुख शांति का वर्षा मिलता है, महसूस करते हैं। अभी भी माया पकड़ रही है, अभी अभी खुशी में रहते हैं, अभी अभी माया पकड़ती है और दुख आ जाता है, अनिश्चय आ जाता है। अभी भी ब्रह्मा सो विष्णु बनने की स्टेज में नहीं आया। क्या? जब ब्रह्मा ही सो विष्णु बनने की स्टेज में नहीं आया तो ब्रह्मा वत्स कैसे आ जावेंगे?
अभी भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो वर्षे की अनुभूति सदाकाल कैसे होगी? अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ये आदि का गायन है, मध्य का गायन है या अंत समय का गायन है? अंत समय का गायन है, जब अंत में प्रत्यक्षता होती है तो जरूर वर्षा मिलता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा ऐसी परिपक्व ज्ञान की स्टेज में टिक जाती है, याद की स्थिति में टिकती है कि शांति रूपी मुक्ति का वर्षा अनुभव करती है। उन्हें कोई अशांत कर नहीं सकता और जीवन रहते रहते सुख का भी अनुभव करती है, उन्हें कोई दुख दे नहीं सकता। जो बाबा मुरलियों में 20 बार बोलते रहे, न दुख देना है और न दुख लेना है, न अशांत होना है न अशांत करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, मुख्य जो बात है, जिसने जन्म जन्मांतर पतित बनाया है वो कौन सी बात है? है? वो बात बताते हैं, समझाते हैं, कौन सी बात है? काम महाशत्रु ने जन्म जन्मांतर तुम बच्चों को पतित बनाया है। क्रोधी को नहीं कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर पतित बनाया, क्या कौन पतित बनाता है? काम महाशत्रु पतित बनाता है। क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, वो स्टेज पतित बनाने वाली स्टेज नहीं है। हाँ, लक्षण साबित होता है कि जिसमें क्रोध होगा उसमें अंश मात्र काम विकार जरूर होगा, सिर्फ इतना साबित होता है। लेकिन तन की, मन की और धन की शक्ति छीन हो जाए वो अनुभव नहीं होता, ये सिर्फ काम विकार से ही अनुभव होता है कि तन की शक्ति भी छीन हो गई, कमजोरी का अनुभव होता है। मन भी शिथिल अनुभव करता है। जो बाबा मुरली में कहते हैं, कामी अगर बन गए, पतित अगर बन गए तो बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाता है? बिकारी बनने वाले की बुद्धि से ज्ञान उड़ क्यों जाता है? अथवा वो उल्टा ज्ञान सुनाना क्यों शुरू कर देता है? ज्ञान के विपरीत बातें करना क्यों शुरू कर देता है? भस्मासुर क्यों बन जाता है? क्योंकि बुद्धि शिथिल हो जाती है, मंद बुद्धि हो जाता है, इसलिए मूर्खता की बातें करता है, अज्ञान की बातें करता है। तो मन भी शिथिल हो जाता है, पतित हो जाता है, माने नीचे गिर जाता है, तन भी नीचे गिर जाता, मन भी नीचे गिर जाता। और तन जो बनाया जाता है वो तो धन से ही बनता है, धन का अच्छा उपयोग करते हैं शरीर के पोषण के लिए, तब ही तो तन फलीभूत होता है। धन चाहिए ना तन के लिए, तो धन भी नष्ट हुआ। शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो राजवैद्य है वो भी इस बात को बताते हैं,
कि कितने दिन भोजन करने के उपरांत मनुष्य का इतना खून बनता है, उस खून से मांस मज्जा बनता है, उस मांस मज्जे से खिंच करके हड्डियों में वो वीर एकत्रित होता है जो काम विकार के आघात से क्षरित हो जाता है। पुरुषों में वीर्य और स्त्रियों में रज की शक्ति, ये दो ऐसी शक्तियां हैं जिनके नष्ट होने से आदमी अपने को पतित अनुभव करता है। तो बताया ये काम विकार ही पतित बनाने वाला है, इसलिए अर्जुन से कहा जहिएनम पापमानम काम महाशत्रु, इसको जीत ले। तो जीतने वालों में नंबरवार बनते हैं, शास्त्रों में शंकर को दिखाई दिया कि कामदेव को भस्म किया, वो तो ठीक है जो जगत का पिता है, पिता तो बड़ा होता है, बड़े में शक्ति ज्यादा होती है तो पहले जीत लेता है। काम जीते जगत जीत कहा जाता है, काम आता है माया के वार से तो माया जीते जगत जीत कहा जाता है, इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। इसलिए बोला कि मुख्य बात जो है वो बाप समझाते हैं, जिसने जन्म जन्मांतर तुमको पतित बनाया है, किसने बनाया है, काम महाशत्रु ने तुमको जन्म जन्मांतर पतित बनाया। कब से आया? द्वापर से आया। जब तक एक मत चलती रही, एक राज्य चलता रहा, एक पुर चलता रहा, एक मत एक वंश चलता रहा, तब तक काम विकार नहीं आया। जब द्वैत पैदा हुआ, माना दूसरा धर्म पिता इस सृष्टि पर आ गया, दूसरा धर्म की शुरुआत कर दी, दूसरे मत की शुरुआत कर दी, दूसरा राज्य शुरू हो गया, तब ये काम महाशत्रु वार करता है भारतवासियों के ऊपर। इसलिए बोला है कि इस्लाम धर्म जब से आता है, माया रावण जब से आता है, तब से झगड़ा शुरू होता है। से झगड़े के कारण उनको भगा दिया जाता है दूसरे देश में, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं जब से माया रावण आते हैं। तो द्वापर युग से दूसरा देश अस्तित्व में आ गया, वो है अरब देश। अरब देशों की ओर उन इस्लामियों को खदेड़ दिया गया और वहां उन्होंने खूब व्यभिचार शुरू कर दिया। भाई बहनों में वहां शादियां होती थी, सगे भाई बहनों में, क्योंकि उनकी तो जनरेशन ही नहीं थी, उन्हें जल्दी से अपनी जनरेशन तैयार करनी थी। लड़ाइयां करके उन्हें जीत पानी थी। काम विकार का मूल होता ही है देह अभिमान,
तो जो देह अभिमानी होता है वो बाहुबली की लड़ाई जरूर लड़ता है। भारतवासियों को भी उनके संग का रंग लगता है। तो भारत में वो विदेशी द्वापर युग से ही आने लगे आक्रमण करने के लिए, और उनके संग के रंग से हम पतित बनते रहे। दुनिया को भी ऐसे कहा जाता है। कैसे? विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया। कौन सी दुनिया निर्विकारी? सत्युग त्रेता निर्विकारी दुनिया, और द्वापर कलयुग विकारी दुनिया। क्यों? विकारी, वि माना विपरीत, कारी माना कार्य, विपरीत कार्य करने वाली दुनिया। विपरीत कार्य कब शुरू होता है? एक मत से या द्वैत से? द्वैत से, जब से द्वापर आया। दुनिया में दो दो धर्म शुरू हो गए, द्वैतवाद चालू हुआ, दो दो राज्य शुरू हो गए, दो दो मतें आईं, दो दो भाषाएं आईं, दो दो वंश पनपने लगे। तो विकारी दुनिया बन गई। निर्विकारी दुनिया में तुम थे, अभी विकारियों के संग में आते आते हम विकारी बन गए। तो मूल बात है पवित्रता की। क्या पवित्रता? मूल बात क्या हुई? पवित्रता की। पवित्रता क्या होती है? है? पवित्रता होती है जो शरीर के अंदर शक्ति है, खून मांस मज्जा हड्डी और उससे बने हुआ मुख्य बीज, वो क्षरित न हो, नष्ट न हो। चाहे स्त्री के रूप में रज के रूप में हो और चाहे पुरुष के रूप में वीर के रूप में हो, जब तक उसका क्षरण हो रहा है तब तक पतित पने से बच नहीं सकते। ज्यादा संग के रंग में कौन आता है? अगर संग के रंग में कोई बड़े राजा का प्रिंस संग के रंग में आ जाए, कुसंग में आ जाए, और साधारण प्रजा के जो बच्चे हैं वो भी उसी कुसंग में आ जाए, तो ज्यादा पतित कौन बनेगा? राजकुमार ज्यादा पतित बनेगा या जो प्रजा कुमार होंगे वो ज्यादा पतित बनेंगे? जिसमें ज्यादा शक्ति होती है वो ज्यादा संघ के रंग में आता है और जास्ती पतित बनता है संघ के रंग से। तो जो ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे थे, ऊंचते ऊंच कभी उन्होंने हीरो पार्ट बजाया था इस संसार में, कयामत के समय में 9 लाख सितारों के रूप में सारे संसार में ज्ञान की चमक मार रहे थे, सारे संसार में उनका आधिपत्य हो गया था, वही भारतवासी बच्चे कलयुग के अंत में इतने पतित बन जाते हैं कि उनका मिसाल बंदरों से दिया जाता है। राम ने किसकी सेना ली? बंदरों की सेना ली। शास्त्रकार समझने लगे, शास्त्रकारों की बातें समझने वाले ये समझने लगे कि वाकई बंदरों की सेना ली होगी, जंगल में बंदर होते हैं और रावण को मनुष्य मिल गए, ये तो कोई बात नहीं, ये सत्य असत्य का युद्ध है। उस युद्ध में
सहयोगी बनाते हैं पतित आत्माओं को, क्योंकि बाप का विरुद्ध आप गाया हुआ है वो पतितों को आकर के पावन बनाता है। तो जो बंदर मिसल पतित बन जाते हैं, बंदर का मिसाल दिया जाता है, बंदर में जितने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होता है दुनिया के किसी भी प्राणी में इतना नहीं होता। काम विकार भोगेगा तो चोटी पे बैठ के भोगना शुरू कर देगा, क्रोध इतना होता है कि बंदर जब आपस में लड़ते हैं तो बड़ा गट्ठर बन जाता है, एक दूसरे से चिपक करके काटते काटते वो गट्ठर लुढ़कता रहता है, लोग देखते रहते। ऐसे ही लोभ इतना होता है कि अगर हंडी में चना डाल दिया जाए, हंडी का मोहड़ा छोटा हो तो वो मुट्ठी छोड़ेगा नहीं, हंडी को लिए लिए चारों तरफ घूमता रहेगा भले पकड़ जाए, जब तक हंडी फूटेगी नहीं मुट्ठी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चना मुट्ठी में आ गया। लोभ इतना जास्ती होता है, मोह इतना होता है कि बंदरी का बच्चा अगर मर जाए तो महीने भर तक पेट से चिपका के रखेगी। यहाँ बाप के बच्चे भी ऐसे हो गए हैं, बंदरी मिसल। कोई बिछड़ जाता है, शरीर छोड़ जाता है तो साल भर तक उनको अंदर बैठाया जाता है, घर में बाहर नहीं जाना, मातम मनाना, स्पेशल उनको याद दिलाई जाती है। बुद्धि रूपी पेट में वो गम भर जाता है, बुद्धि उसकी याद छोड़ नहीं पाती, अहंकार इतना जास्ती बंदर में होता है कि हाथी भी सामने से गुजरेगा तो उसको भी घुड़क लगाएगा, अरे कहां हाथी कहां बंदर जैसा छोटा सा प्राणी, लात रख देगा तो दबोच जाएगा। तो ऐसी पतित आत्माओं को, बंदर मिसल आत्माओं को बंदर से मंदिर लायक बनाने के लिए बाप आते हैं, और विकारी दुनिया से निकाल करके निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। ये वर्षा बाप से मिलता है जो ऊंचते ऊंच बाप है, वो ऊंचते ऊंच बाप आत्माओं का भी बाप है तो मनुष्य सृष्टि का भी बाप है। आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, जो जन्मण के चक्र में नहीं आता, वो सिर्फ प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है वो मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है, सब धर्मों में उसकी मान्यता है। क्रिश्चियन लोग उसे एडम कहते हैं, मुसलमान लोग उसको आदम कहते हैं, जैनी लोग उसको आदिनाथ कहते हैं। तो वो बाप प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आया हुआ है, अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहा है, उनको वर्षा मिलना है। वो बच्चे अब धूमधाम से जयंती मनाने वाले हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में रात्रि गाई जाती है कि जब घोर अंधकार फैल जाता है, बाहर की 500-700 करोड़ की दुनिया में भी अज्ञान अंधकार छा जाता है, बड़ी ऊंची ऊंची महलवाड़ियों अटारियों और विज्ञान के चमत्कार को देख करके बुद्धि ये समझती है कि बस हम स्वर्ग से भी ऊंचे उठ गए। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो आधारमूर्त ब्राह्मणों की दुनिया है, उस आधारमूर्त ब्राह्मणों की दुनिया में भी समझते हैं कि हमको स्वर्ग का वर्षा मिल गया,
क्योंकि हमने जैसा सुखधाम और शांति धाम ईंटों का बनाया, ऐसा सुखधाम शांति धाम दुनिया कोई भी नहीं बना सकती, और न इतना संगठन इकट्ठा कर सकती है, हुजूम इकट्ठा कर सकती है। तो मन के गल्ले फोड़ना शुरू कर देते हैं। बाप कहते हैं ये तो सब क्षण भंगुर है, ये क्षण भंगुर दुनिया अब नष्ट होने वाली है। स्थाई क्या होगा? स्थाई होगा मन का सुख। मन का सुख तब स्थाई होगा जब मन एकाग्र होगा, और मन को एकाग्र करने के लिए दुनिया में कोई भी संस्था प्रयास नहीं कर रही। मन को एकाग्र ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं कर रही, क्योंकि उनका जो संस्थापक ब्रह्मा हुआ वो ही मन को एकाग्र नहीं कर सका। मन कहो दिल कहो, हार्ट फेल हो गया। मुरली में तो बोला हुआ है योग में रहने वाले का कब हार्ट फेल नहीं हो सकता। तो जब ब्रह्मा का ही हार्ट फेल हो गया तो बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का भी हार्ट फेल होता रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे को बुद्धि याद करती है वैसी ही बन जाती है। मन बुद्धि रूपी आत्मा पतित को याद करेगी तो पतित बनती चली जाएगी। इसलिए मुरली में बोला कि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा के चित्र भी नहीं बनाने हैं। ब्रह्मा कोई बाप नहीं है, वो बड़ी अम्मा है। ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, उससे वर्षा नहीं मिलता। सुख शांति का वर्षा अभी बाप आकर के दे रहे हैं। तो जो बाप से वर्षा मिलता है उनकी बच्चे फिर खुशी में आकर के जयंती भी मनाते हैं। अभी वो धूमधाम से जयंती मनाई जाने वाली है बच्चों के द्वारा। वो टाइम बहुत नजदीक आ चुका। ओम शांति।